आज की ये वीडियो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए या एक डायबिटिक पेशेंट दोनों के लिए होने वाली है, क्योंकि हाथ पैरों में दर्द होना या हाथ पैरों के तलवों में जलन होना, हाथ पैरों में सुन्नपन आ जाना, ये बेशक एक डायबिटिक पेशेंट के केस में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम एक नॉर्मल व्यक्ति को भी हो सकती है। अब इन सब का क्या कारण होता है और इन सबको कैसे ठीक करें, यानी इनके क्या उपाय होते हैं, आज हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो कारण है हम साइंस के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कारण होता है सिस्टम में खराबी। होता यह है कि साइंस के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में दो तरह के सिस्टम होता है, एक होता है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो नस और नाड़ियां हैं उनके सिस्टम को PNS कहते हैं, और इसी सिस्टम में खराबी आने के कारण हाथ पैरों में दर्द होना या जलन होना, ये सभी सिम्टम नजर आते हैं। होता क्या है, इसे थोड़ी सी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में या ये कहें कि हमारे हाथ पैरों में जो नसें जाती हैं, उनमें हमारे दिल से शुद्ध खून जाना होता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर काम करते हैं। लेकिन जब डायबिटिक पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है यानी शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो हम जो खून है वो थोड़ा चिपचिपा यानी जो ब्लड है उसमें थोड़ी गंदगी अशुद्धि आ जाती है, जिसके कारण जो खून है वो सही से हाथ पैरों की नसों में दौड़ नहीं पाता, सही से चल नहीं पाता। जैसे किसी नाली में कचरा फंस जाए तो पानी सही से फ्लो नहीं हो पाएगा, उसी प्रकार हमारे हाथ पैरों की नसों में होता है। और फिर हमें हाथ पैरों में दर्द होना या हाथ पैरों में जलन होना जैसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हाथ पैरों की नसों में या खासकर पैरों की नसों में खून जाना बहुत कम हो जाता है या रुक जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट को एक बीमारी और होती है, उसे बोलते हैं गैंग्रीन। इसमें होता यह है कि डायबिटिक पेशेंट के जो पैर हैं वो धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं और ऑटोमेटिक पैरों में जख्म यानी घाव होने लगते हैं। फिर जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो ऑपरेशन करने की यानी पैर को काटने की या फिर पैर की उंगलियों को काटने की सलाह देते हैं। इसलिए जब डायबिटिक पेशेंट के पैरों में जलन या दर्द होना शुरू हो, तभी डायबिटिक पेशेंट को सतर्क होना चाहिए कि अब मेरे हाथ पैरों की नसों में जो उनका फ्लो है वो कम हो गया है, और किसी एक्सपर्ट से तुरंत मिलना चाहिए। जो दूसरा कारण है इसका, वो है आपका कुछ विटामिन की कमी हो जाना, जैसे विटामिन बी की कमी हो जाना या फिर विटामिन B6 की कमी हो जाना, विटामिन B12 की कमी हो जाना या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो जाना। होता यह है कि डायबिटिक पेशेंट का कभी कभी शुगर लेवल बहुत नॉर्मल चल रहा होता है, या जो दूसरे पेशेंट होते हैं उन्हें तो शुगर है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी हाथ पैरों में दर्द और जलन बनी रहती है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो कुछ विटामिन की कमी भी हो सकता है, जैसे विटामिन बी, विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड। इन सब के कारण भी हाथ पैरों में दर्द और जलन बनी रहती है, तो आप इन विटामिन का टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगला जो मुख्य कारण है हाथ पैरों में दर्द होने का या जलन होने का, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। होता यह है कि बहुत से डायबिटिक पेशेंट को, खासकर महिलाओं को, शुगर होने के साथ साथ थायराइड की भी समस्या होती है, या पुरुषों में भी थायराइड की समस्या हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, हमारा थायराइड हमारे गले में होता है, जब ये कम मात्रा में हॉर्मोन्स बनाता है तो उस सिचुएशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म जिस व्यक्ति को भी या जिस महिला को भी होता है, उनमें हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, हाथ पैरों में जलन होती है और उन्हें थकावट वगैरह भी होती है। वैसे हाइपोथायरॉयडिज्म के और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। अगला जो कारण है वो हो सकता है आपका एनीमिया, यानी शरीर में खून की कमी हो जाना। ऐसा हमेशा नहीं होता कि शुगर लेवल हमेशा बढ़ जाए तो उसी के कारण सारी प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसमें एनीमिया भी होता है। तो जिन भी डायबिटिक पेशेंट के शरीर में खून की कमी होगी यानी एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, उन्हें भी हाथ पैरों में दर्द, जलन या सुन्नपन हो सकता है, यानी बर्निंग सेंसेशन इन फीट, या फिर आप ये कहें कि टिंगलिंग, या फिर पेन इन हैंड एंड फीट हो सकता है। तो आप इन्हीं सब फैक्टरों को चेक करें, क्योंकि ये सभी फैक्टर मुख्य भूमिका निभाते हैं ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करने में। अब बात करते हैं इनके उपाय की, कि इनके उपाय क्या क्या हैं। तो आप सबसे पहले एक काम करें कि किसी टब में या फिर किसी बाल्टी में आप थोड़ा सा ठंडा पानी या फिर ज्यादा सा ठंडा पानी इसमें भर लें और अपने हाथ पैरों को उसमें 10 से 20 मिनट डुबो के रखें। ऐसा करने से जो हाथ पैरों की जलन है वो शांत होती चली जाएगी।
अगला उपाय आप इसमें यह भी कर सकते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जब शरीर में जलन हो तो इसका मतलब शरीर में गर्मी बढ़ रही है, यानी पित्त बढ़ गया है। तो आप एक आयुर्वेद की औषधि प्रयोग कर सकते हैं, उसका नाम होता है गोंद कतीरा। ये बाजार में आसानी से मिल जाता है और इसी नाम से मिलता है, आप खरीद सकते हैं अपने आसपास के बाजार से। आप इसे लाइए और थोड़ी सी मात्रा में आधे गिलास पानी में रात को भिगो के रख दीजिए, फिर सुबह फ्रेश वगैरह होने के बाद खाली पेट इसे खाना है। ऐसा करने से जो शरीर की गर्मी है वो धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी, आपको जलन में बहुत राहत मिलती चली जाएगी। हाँ, एक बात याद रखें कि इसे थोड़ी सी मात्रा में भिगोएं, क्योंकि ये फूल के ज्यादा सा हो जाता है ना, ये खट्टा होता ना मीठा होता ना कड़वा होता, इसका स्वाद फीका सा होता है। आप इसे थोड़ा सा भिगोएंगे ये फूल के ज्यादा सा हो जाएगा, और इसे सुबह खाली पेट ही खाना है। क्या गोंद कतीरा। तीसरा उपाय ये कर सकते हैं कि बहुत से डायबिटिक पेशेंट को या नॉर्मल व्यक्तियों के हाथ पैरों की नसों में सूजन आ जाती है, जो बाहर से दिखती नहीं है, उसे सूजन यानी इन्फ्लेमेशन के कारण भी हाथ पैरों में जलन होती है। तो आप क्या करेंगे कि आधे गिलास या फिर एक गिलास नॉर्मल पानी में या गुनगुने पानी में हल्दी, कितनी हल्दी, 2-3 ग्राम हल्दी घोलकर पी जाएंगे। ऐसा करने से जो हाथ पैरों की सूजन है वो भी कम हो जाएगी, नसों की जो सूजन है, और इससे जो हाथ पैरों में जलन है वो भी धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी। लेकिन जिन भी डायबिटिक पेशेंट को या किसी भी अदर पर्सन को हाई बीपी की समस्या है, उन्हें हल्दी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसमें, बीपी वालों को हल्दी का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी का यूज करने से बीपी बहुत तेजी से बढ़ता है, ये बात आप याद रखें। इसकी जगह आप इसे अलग तरीके से उपयोग करें। आप क्या करें, हल्दी का थोड़ा सा पानी डालकर लेप बना लें, और लेप बनाने के बाद उसे अपने हाथ पैरों पर लगाएं। ऐसा करने से हाथ पैरों को बहुत ठंडक मिलेगी और जलन शांत हो जाएगी। चौथा उपाय आप इसमें यह भी कर सकते हैं कि करेले के पत्ते या फिर जो मेहंदी होती है, पत्तेदार जो मेहंदी होती है, उसके पत्तों को पीसकर अपने हाथ पैरों पर लगाएं। इससे भी जो जलन है वो बहुत शांत हो जाती है, क्योंकि हाथ पैरों को बहुत ठंडक मिलती है मेहंदी के पत्ते या करेले के पत्ते पीस कर लगाने से। इससे जो जलन है वो ऐसे भाग जाएगी जैसे सूरज को देख के अंधकार भाग जाता है। तो हाथ पैरों में जलन होने का जो मुख्य कारण थे वो मैंने बता दिया, और इसके उपाय भी बता दिए। अब आप इन सबका प्रयोग करना शुरू करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।